दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं अमन तिवारी, आज एक स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, स्पेशल रिपोर्ट, क्योंकि काफी सारी फ्लाइट्स इंडिया जा चुकी हैं। जी हाँ, आज मैं आपकी फिर से मुलाकात करवाऊंगा हमारे अपने अश्विनी जी के साथ। सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं 50 से ज्यादा फ्लाइट्स इंडिया जा चुकी है उसकी एक झलक। वी स्टार्टेड विद वन फ्लाइट बट वी केप्ट फ्लाइंग चार्टर फ्लाइट्स एंड ऑन 5th फरवरी We achieved a great milestone. 10,000 families reunited. On 27th of February 2021, we announced our flights from India to Australia. On 19th of March of 2021, we flew our 50th charter flight to India. Singapore Airlines ne bhi appreciate kiya Gaurav Travel ko uski ek jhalak. जब 50 फ्लाइटें गई, एक लंबा सफर रहा। आइए स्पेशल हम शुक्रिया अदा करेंगे और एक झलक दिखाएंगे अतुल जी की, जो एयरपोर्ट पे 50वीं फ्लाइट जाने के टाइम मौजूद थे। गुड इवनिंग, नमस्कार एंड सारे ने प्यार भरा सत श्री अकाल फ्रॉम गौरा ट्रैवल टीम एंड फ्रॉम योर अतुल। जो जो लोग आज सुबह होबार्ट से, परमिंदर भैन का फोन आया, देन पीपल फ्रॉम एडिलेड, people from Brisbane, people from Sydney, जो यहाँ पर आए, yes, successfully वो यहाँ पर depart and then they going to departure, जो हमारी दिल्ली की flight जा रही है, बिल्कुल, आपको जैसे हमने दिखाया। So, उसी के साथ ही, सभी का शुक्र मंथ, मैं और गौरा travel team है, because today, we made the mark of 50 charter flights, जी हाँ guys, Today we make the mark of 50 charter flights. See, 19th March 2021. तो दोस्तों ये देखिए हमने झलक, और आइए आज एक स्पेशल मुलाकात हमारे अश्विनी जी के साथ। We feel very proud. I always say क्योंकि कम्युनिटी में अभी इतनी एक इस टाइम पे खड़े होना ही बहुत जरूरी और बहुत बड़ी बात थी। और आइए बात करते हैं, 10,000 से ज्यादा लोग इंडिया जा चुके हैं, फैमिलीज के साथ पहुंच चुके हैं, 10,000 से ज्यादा फैमिलीज इंडिया जा चुकी है। आइए बात करते हैं हमारे अश्विनी जी के साथ गौरा ट्रैवल से। अश्विनी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। हम एक बार फिर से ये बोलना जरूर पसंद करेंगे कि वी प्राउड ऑन गौरा ट्रैवल, स्पेशली अश्विनी जी, आपकी पूरी टीम का जो दिन रात लगी हुई है करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 10,000 से ज्यादा फैमिली जा चुकी है, 50 से ज्यादा चार्टर फ्लाइट्स जा चुकी है, और अब सिंगापुर एयरलाइन ने भी कितना अच्छा एप्रिसिएशन दिया है। सो अभी की क्या हालात है कि कोविड की इंडिया में सिचुएशन टोटल अभी डिफरेंट हो गई है, कल 80,000 केसेस थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार वरुण जी, इट्स माई प्लेजर वंस अगेन टू बी विथ यू। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली अभी सिचुएशन फिर से गड़बड़ हो गया है इंडिया में, और कोविड का वेव फिर से, जो कि कंट्रोल में आ गया था, फिर से काफ़ी बढ़ गया है। सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी कॉशियस, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है अभी कोविड, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि जैसे जितने से हो सके हम कम्युनिटी को हेल्प करें, और जो लोग इंडिया में हैं अभी उनको हम ट्राई कर रहे हैं वापस लाने का यहाँ से। तो एज़ यू नो, वी हैव सेंट मोर देन 10,000 पीपल एंड रीयूनाइटेड देम विद देयर फैमिलीज। तो यहाँ से तो बहुत लोग चले गए हैं, और चार्टर फ्लाइट भी हमारी 50 से ज़्यादा चली गई है। तो अभी हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि वहाँ से कैसे लोगों को लाया जाए, तो उसी में हम लगे हुए हैं अभी। किस तरीके से आपने वेरियस एयरलाइंस के साथ काम किया, काफी लोग ऑस्ट्रेलिया वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि जिस टाइम अभी जो इंडिया की हालात है, इंडिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी जब वो वापस आते हैं तो उनको किस किस चीज का सामना करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो भी इंडिया में है काफ़ी दिन से, अगर उनको वापस आना है, क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है, अब गर्मी का भी वहाँ पे समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, प्लस कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं,
और ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ ठीक जा रहा है अभी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ टाइम आप डिसीजन ले लें। और पहले थोड़े से फ्लाइट्स कम थे, लेकिन हम अभी बहुत सारी फ़्लाइट्स रिलीज़ कर रहे हैं। एक तो हम मलेशिया एयरलाइंस के साथ डायरेक्ट रूट फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रिलीज़ किए हैं, वो 9th of April को पहला फ़्लाइट हमारी आ रही है, वो पूरी फुल है ऑलरेडी। अगली फ़्लाइट 23 अप्रैल को है, वो भी फुल है, कुछ बिजनेस क्लास की सीट्स बाकी है। और अभी जस्ट कल परसों इनमें हमने 30 अप्रैल की एक और फ़्लाइट लॉन्च की है। तो ये डायरेक्ट ऑप्शंस है जिसमें आप सीधे इंडिया से बैठोगे, इंडिया और चार्टर फ्लाइट है स्पेशली, तो इंडिया से बैठोगे फिर मलेशिया आओगे, फिर मलेशिया से सीधा ऑस्ट्रेलिया आओगे, ये पूरी डायरेक्ट है एक ऑप्शन। अश्विनी जी, जिस तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जा रहे हैं लोग, उनकी तो कैपेसिटी काफी है, 200-250-300 लोग एक प्लेन में जा रहे हैं। जैसे इंडिया से वापस आने की रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें थोड़ा टिकट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर भी फर्क पड़ेगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का नियम है कि वो एक फ्लाइट में 40-50 से ज़्यादा लोगों को आने नहीं दे रहे, एंड दैट इज़ ड्यू टू देयर रेगुलेशन क्वारंटीन के कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक 300 सीट की प्लेन में खाली 40-50 लोगों को आने दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली द प्राइस ऑफ ईच टिकट, एक आदमी 4 आदमी का पैसा दे के आ रहा है प्रैक्टिकली। तो क्योंकि वो फ्लाइट में 85 लोग आ रहे हैं, तो वो कॉस्ट तो कवर करना होगा फ्लाइट का, तो वो ऑटोमेटिकली एक टिकट का फिर वैल्यू बढ़ जाता है। बट यही बहुत बड़ी चीज है कि वो अपने घर ऑस्ट्रेलिया वापस पहुंच पा रहे हैं, और इंडिया की जो इस टाइम सिचुएशन है उससे सही टाइम पे निकल के और सेफ प्लेस पे पहुंचने के लिए इट्स नथिंग। किस तरीके से आप अभी एवरी टाइम इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, काफी सारे SMS, काफी सारे फेसबुक सोशल मीडिया पे आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कोई ऐसी बात अगर मैं बोलूं कि पिछले 50 मिनट के बाद अभी तक कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा आपके जहन में, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी जरूर, अभी कल परसों में एक इंसिडेंस हुआ जो कि मेरे को एक कॉल आई कि बेसिकली आप लोग जो कर रहे हो उस बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और उसके वजह से एक कस्टमर थे जो कि वो हमसे ही यहाँ से गए थे इंडिया, और इंडिया में बहुत दिन से फंसे हुए थे, उनको वापस आना था, और फिर जैसे ही हमारा फ्लाइट अभी रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ तो वो अभी एक वो आए वाया मालदीव से विद सिंगापुर एयरलाइंस, और वो अभी आके क्वारंटीन में है, एंड ही वॉज थैंकिंग अस लाइक एनीथिंग कि ये बेसिकली मैं इतने दिन से इंडिया में कंफ्यूज था कि कैसे आना है नहीं आना है, और जैसे ही आप लोग ने रिलीज़ किया एक फ़्लाइट तो आई गॉट द फुल कॉन्फिडेंस और इमीडिएटली हमने बुक कर दिया और मैं आ भी गया वापस, एंड ही इज़ बैक हियर नाउ। That's great. I know that कि मैं खुद आपके कारण अपने एयरपोर्ट पे जाके कई लोगों के साथ बात की, and because of this program as well कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई अपने experiences share करते हैं, और लोग बताते हैं कि 24/7 गौरव ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनकी problems का solution निकालते हैं आपका supporting staff। अभी मैं भी एक बात share करना चाहूँगा, एक किसी ने बताया कि देर ड्राइव प्राप्त एंड उनकी शिफ्ट रात के 12 बजे खत्म हुई, उन्होंने कॉल किया और बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ ने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया, एंड ये फीडबैक्स जब आती है तब दिल करता है कि यार 24 घंटे काम करना कम्युनिटी के लिए, दैट वी आल्सो वांट टू कांग्रेचुलेट यू, वी आल्सो वांट टू से बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम, किस तरीके से आप उनका काम कर रहे हैं अभी, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, कुछ आपको क्या लग रहा है कि क्या फ्यूचर में कब तक ये सारी चीजें सेटल डाउन हो सकती है? हाँ जी देखिए, अभी कोशिश तो यही थी और विश भी सबकी यही थी कि 2021 में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अभी भी 3 महीने तो 2021 के गुजर गए हैं और अभी तक कुछ ठीक हुआ नहीं है प्रैक्टिकली देखा जाए तो ट्रैवल के मामले में, और मेरे को लगता है एटलीस्ट अगले 3 महीने तो ऐसे ही चलेगा अभी भी, जून तक तो कोई सामने नज़र नहीं आ रहा है कि कोई नॉर्मल फ्लाइट्स वापस होंगी, होपफुली जुलाई से कुछ न्यूज़ आ सकता है थोड़ा बहुत कि क्या होगा, बट प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट ये क्लियर हो गया है जिस हिसाब से अभी कोविड केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में भी वैक्सीनेशन पूरी कम्प्लीट हो ही नहीं है,
तो जून तक तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा फॉर श्योर। तो अश्विनी जी, किस तरीके से इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं, क्या बाकी जगह से फ्लाइट्स नॉर्मल होगी या इंडिया का नंबर बाद में आएगा? नहीं देखिए, बाकी सब जगह भी ऐसा ही हाल है। अगर आप देख लो, अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, सब जगह ही है ऐसा। अभी ये सुना है मैंने कि ऑस्ट्रेलिया विल ट्राई टू डू समथिंग विद सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर में केसेस कम है और काफ़ी कंट्रोल्ड है और वो काफ़ी डिसिप्लिन कंट्री भी है, तो सिंगापुर के शायद साथ शायद कुछ हो जाए, एक बबल टाइप का अरेंजमेंट। लेकिन अभी देखो आप, न्यूजीलैंड के साथ ही नहीं हुआ अभी तक ऑस्ट्रेलिया, हाँ कनेक्टिंग नहीं होंगे आगे, करेक्ट। अभी देखो आप, न्यूजीलैंड के साथ ही नहीं हुआ अभी तक, तो पहला तो न्यूजीलैंड के साथ होना चाहिए, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद बाकी वर्ल्ड का नंबर आएगा। तो अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी भी डजंट सीम लाइक कि इट्स ओवरनाइट या कि एक महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा जी। दोस्तों, आप अपने फैमिली तक, फ्रेंड्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कौन सी फ्लाइट जा रही है 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 30 अप्रैल को, और कई फ्लाइट्स इंडिया से भी आ रही हैं। आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं गौरा ट्रेवल से। एंड अश्विनी जी, एक बार जाते जाते मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा, क्योंकि 50 से ज्यादा फ्लाइट्स और 10,000 से ज्यादा लोग अब फैमिलीज इंडिया जा चुकी हैं आपके पूरे नेटवर्क के थ्रू, आप अपने स्टाफ को या अपनी फैमिली को जो से इस पीरियड से आपके साथ दिन रात निकले हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे, और बाकी सारी सारी ऑडियंस को, सारे उन लोगों को जिन्होंने आपके थ्रू ट्रैवल किया है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये मुश्किल समय में हम लोग सब एक साथ मिलके एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये मैं इससे ज़्यादा ग्रेटफुल और नहीं फील कर सकता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर टीम मेंबर्स, टू ऑल आवर कम्युनिटी हु हैज हेल्प्ड अस, एंड टू ऑल ऑफ यू, ऑल द कस्टमर्स हु हैव ट्रस्टेड अस टू प्रोवाइड यू विद दिस सर्विस, एंड वी विल रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स दैट वी वर एबल टू डू समथिंग एट दिस डिफिकल्ट टाइम फॉर मैनकाइंड। अश्विनी जी, आपके साथ बात करके हमेशा ही लगता है इसे सो हेल्पफुल, सो काइंड, एंड किस तरीके से आप कम्युनिटी में इस टाइम पे काम कर रहे हैं, हम आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक बार फिर से इंडसइंड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिनके कारण आपके साथ आज बात करने का मौका मिला। और दोस्तों, ये थे एक स्पेशल कोड जिसके बीच में मैं फिर से बता दूं कि 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 30 अप्रैल को जो फ्लाइट जा रही है, प्लीज अपने फ्रेंड्स तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं, क्योंकि फ्लाइट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं और फिर से अगली फ्लाइट्स का इंतजार करना पड़ता है। सो गौरव ट्रेवल का नंबर आपके पास है, आप कॉल करें और इस टाइम पे सेफ रहें। अभी COVID-19 अच्छी तरह गया नहीं है, बी सेफ, कहाँ भी है आप सेफ रहें और अपनी फैमिली को सेफ रखें, और जितना भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं प्लीज लीजिए। एंड अश्विनी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वरुण जी, थैंक यू। दोस्तों, हम इस स्पेशल रिपोर्ट को प्लीज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, और इसी के साथ हम इजाजत देते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद। गौरा ट्रैवल, योर बेस्ट वे होम। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.